Hello everyone, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So in this video I'm going to discuss the latest exam pattern of CBSE. CBSE ने अभी latest एक curriculum release किया, एक official notice release किया, जिसमें exam pattern से related उन्होंने सारी information बताई और exam pattern totally change हो गया. तो इस session में जिस तरीके से board exams होने वाले हैं वो आज तक कभी नहीं हुए. तो pandemic situation को नज़र में रखते हुए ये पूरा pattern जो है change कर दिया गया है. और इस वीडियो में मैंने एक प्रॉपर फ्लो चार्ट बनाया, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने हैंड रिटन फ्लो चार्ट बनाया और इसके थ्रू मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं वेरी क्विकली और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. मतलब हर चीज़ आपको पता चल जाएगी कि पैटर्न क्या है, कैसा पेपर होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, और अगर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेज होती हैं तो कैसे रहने वाली हैं चीज़ें. तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे. सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं. और ये जो एग्ज़ाम पैटर्न है ये 10th और 12th क्लास के लिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स 10th और 12th क्लास में होते हैं, और ये सेशन 2021 टू 22 के बच्चों के लिए है. मतलब जो इस साल 10th में आए हैं या जो इस साल 12th में आए हैं उनके लिए तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि बोर्ड एग्ज़ाम जो एक ही बार होता था, हर साल बोर्ड एग्ज़ाम का मतलब है मार्च में आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स होते थे, बट अब यहाँ पैटर्न हो चुका है चेंज. बोर्ड एग्ज़ाम अब दो टर्म्स में होगा, ठीक है, और वो टर्म कौन सी है, टर्म वन एंड टर्म टू. अब मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताने वाला हूँ. सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सिलेबस की, तो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबका सिलेबस 50% और 50% मतलब डिवाइड कर दिया गया. एग्जैक्ट सिलेबस क्या होगा वो कुछ दिन में सीबीएसई बताएगा, बट इतना अभी आपको जानना जरूरी है कि 50% ऑफ द सिलेबस आपको टर्म वन में आएगा, 50% टर्म टू में आएगा. तो जैसे आपको बोर्ड एग्जाम्स में एक ही टाइम में आपको सारा सिलेबस पढ़ना पड़ता था, वो नहीं होने वाला है. अब आप टर्म वन में आधा सिलेबस प्रिपेयर करोगे और टर्म टू के लिए आधा सिलेबस प्रिपेयर करोगे. तो सिलेबस की बात हो गई, 50-50% सिलेबस आएगा. उसके बाद कब होने वाला है टर्म वन, कब होने वाला है टर्म टू. टर्म वन होगा नवंबर और दिसंबर में, कोई भी पर्टिकुलर डेट हो सकती है, बट नवंबर टू दिसंबर इसी दौरान आपका टर्म वन होने वाला है. टर्म टू कब होगा, मार्च और अप्रैल में. टर्म टू आपका मार्च और अप्रैल में होगा. तो मैंने आपको वेटेज बता दी सिलेबस की, सेकेंडली मैंने आपको बता दिया कब होने वाला है. अब बात करते हैं कितने मिनट्स का एग्जाम होगा और पैटर्न क्या रहने वाला है. सो टर्म वन है 90 मिनट्स का, डेढ़ घंटे का पेपर होगा टर्म वन, और MCQs आने वाले हैं, ठीक है, MCQs आने वाले हैं जो आपको OMR शीट पे भरना है. OMR शीट एक ऐसी शीट होती है जिसमें क्वेश्चन नंबर वन लिखा होगा, टू लिखा होगा, थ्री लिखा होगा, उसके आगे ABCD आपके पास ऑप्शंस होंगे. तो जो भी ऑप्शन करेक्ट होता है उसको आपको टिक करना होता है, सर्कल करना होता है, क्योंकि वो इजिली कंप्यूटराइज्ड मेथड से चेक हो जाती है, ठीक है. सो MCQs तो याद रखो, जो टर्म वन होने वाला है मतलब जो अब आपकी रीसेंट प्रिपरेशन रहने वाली है वो इस तरह से आप लोगों को प्रिपेयर करना है कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप MCQs प्रिपेयर करने हैं. मतलब चैप्टर के बीच बीच से आपको थॉरली रीड करनी है NCERT, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो फिजिक्स है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट है, क्योंकि MCQ आपका कहीं से भी आ सकता है. अब बात करता हूं टर्म टू. टर्म टू की ड्यूरेशन है 2 आवर्स, तो 120 मिनट्स के लिए टर्म टू होगा, और इसमें MCQs नहीं आने वाले हैं. इसमें आने वाले हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है. तो टर्म वन इज टोटली ऑब्जेक्टिव, टर्म टू इज टोटली सब्जेक्टिव. बट अगर कोविड सिचुएशन टर्म टू तक कंटिन्यू रहती है, फॉर एग्जाम्पल कोविड सिचुएशन में कोई बेटरमेंट नहीं आती, टर्म टू तक कंटिन्यू रहती है, तो उस केस में आपका टर्म टू भी MCQ हो जाएगा. ये डिफरेंट सिनेरियोज मैं भी आपके साथ डिस्कस करूंगा कोविड वाले. उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर आइडियल कंडीशंस रहती हैं कि अभी सब कुछ ठीक हो जाता है, नवंबर दिसंबर में कोविड नॉर्मल हो जाता है, बच्चे स्कूल जाके आराम से अपने एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल चीज़ें आइडियल रहती हैं, 2-3 मंथ्स में थोड़ा और नॉर्मलाइज हो जाता है सब कुछ, तो उस केस में जो पैटर्न है यही फॉलो होने वाला है. 50% वेटेज टर्म वन. मतलब अगर सब कंडीशंस आइडल हैं, नवंबर दिसंबर में कोविड केसेस इतने राइज नहीं हुए हैं, लॉकडाउन नहीं है, नॉर्मल सिचुएशन चल रही है, आप स्कूल जाके सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करके एग्जाम दे सकते हो, अगर यही आइडियल सिचुएशन कंटिन्यू रहती है, तो टर्म वन जैसे मैंने आपको बताया वैसा ही होगा, टर्म टू मैंने आपको जैसे बताया वैसे ही होगा, बट क्या है 50-50% वेटेज होगी.
जितनी वैल्यू टर्म वन की है उतनी ही वैल्यू टर्म टू की होगी, 50-50% दोनों की वेटेज काउंट होगी। उसके बाद ये जो न्यू पैटर्न है यही फॉलो होगा। ऐसा नहीं है कि अगर सिचुएशन बहुत ठीक हो गई तो आपको पिछले तरीके से बोर्ड एग्जाम्स होंगे, नहीं, जैसा करिकुलम में आया है यही पैटर्न फॉलो होगा जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। और कहाँ पे होगा ये टेस्ट, वो होगा आपके स्कूल में या CBSE आपको कोई एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट करेगा। घर पे नहीं होने वाला, ऑनलाइन नहीं होने वाला, ऑफलाइन होने वाला है अगर सारी कंडीशंस नॉर्मल रहती हैं स्कूल में या एग्जामिनेशन सेंटर में। ठीक है, आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं सिनेरियोज, मतलब डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस की, सपोज सर्कमस्टेंसेस थोड़े अलग हो जाते हैं तो क्या होगा। तो 3 सर्कमस्टेंसेस मैं डिस्कस करता हूं कि सपोज टर्म 1 में कोविड सिचुएशन रहती है, नवंबर दिसंबर में केसेस बढ़ जाते हैं, लॉकडाउन लग जाता है, घर से बाहर निकलना बिल्कुल सेफ नहीं रहता, और टर्म 2 तक सब चीजें ठीक हो जाती है। मतलब अगर टर्म 1 में कोविड है, मतलब सिचुएशन थोड़ी सी वर्स है, और टर्म 2 में नॉर्मलाइज है, तो क्या होगा, टर्म 1 फिर आप अपने घर से ही दोगे ऑनलाइन, बट उसकी वेटेज कम होगी। सिंस आप घर से दे रहे हो तो उसमें डिस्पेरेंसी काफ़ी रहती है, तो इसलिए उसकी वेटेज कम होगी। कितनी कम होगी वो क्लैरिफाई नहीं किया गया। और फिर जो टर्म 2 आपका ऑफलाइन होगा स्कूल में जाके सेंटर में जाके, उसकी ज़्यादा वेटेज होगी। फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कि 75-80% वेटेज टर्म 2 की होगी, क्योंकि वो आप प्रॉपरली स्कूल में जाके सेंटर में जाके दे रहे हो, और टर्म 1 की वेटेज बहुत कम रहने वाली है। बात वही है, टर्म 1 आपका MCQs और टर्म 2 आपका ऑफलाइन। सेकेंड सिचुएशन ये आती है कि नवंबर दिसंबर में तो सिचुएशन ठीक है, बट मार्च अप्रैल में अचानक से पीक आ जाते हैं केसेस में, लॉकडाउन हो जाता है, सिचुएशन खराब हो जाती है, तो क्या होगा, टर्म 1 आपका ऑफलाइन ही होगा। ऑफलाइन मतलब स्कूल में सेंटर में जाके जैसे आइडियल कंडीशन में था, तो टर्म 1 वैसे ही होने वाला है। MCQs पैटर्न सब सेम है, बस मैं आपको ऑफलाइन ऑनलाइन मोड बता रहा हूँ। टर्म 1 आपका नवंबर दिसंबर में MCQ पेपर 90 मिनट्स का, स्कूल में जाओगे सेंटर में जाओगे अपना पेपर दे दोगे। बट टर्म 2 में सिचुएशंस खराब हो गई, तो उसमें क्या होगा, टर्म 2 को हम ऑनलाइन, मतलब हम नहीं सॉरी CBSE, टर्म 2 को ऑनलाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, और फिर वो सब्जेक्टिव पेपर नहीं रहने वाला, फिर वो होगा MCQs पैटर्न। मतलब अगर कोविड सिचुएशन मार्च अप्रैल में खराब हो जाती है, तो टर्म 1 तो आपका वैसे ही है जैसे पैटर्न में बताया, 90 मिनट्स MCQs ऑफलाइन। बट अब क्या होगा, अगर टर्म 2 में कोविड रहता है तो टर्म 2 को भी MCQs में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, बट वो ऑनलाइन होगा, घर पे ही बैठ के देना है, बट सिंस आप घर पे दे रहे हो तो उसकी वेटेज हो जाएगी कम। अब एक और वर्स्ट केस सिनेरियो हम देखते हैं जो नहीं होना चाहिए, सबकी हेल्थ वगैरह को नज़र में रखते हुए वी नेवर विश कि भाई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि नवंबर दिसंबर में भी कोविड है और मार्च अप्रैल में भी कोविड है, तो क्या होगा इस केस में। इस केस में ऐसा नहीं है कि आपकी सब चीज़ें आप रद्द कर दी जाएंगी, क्या बड़े कंफ्यूज हो, उस केस में क्या होगा, टर्म 1 टर्म 2 दोनों ही आपके ऑफलाइन या ऑनलाइन हो सकते हैं, पर घर पे बैठ के होंगे, आपको सेंटर में नहीं जाना, और मोस्ट प्रोबेबली ऑनलाइन होगा कि आप घर पे बैठ के MCQ टेस्ट दोगे टर्म 1 टर्म 2 में, और फिर आपके जो प्रैक्टिकल्स होंगे, इंटरनल असेसमेंट होगी, प्रोजेक्ट्स होंगे, ये अभी आपके स्कूल वाले स्टार्ट कर देंगे, है ना। अगर स्कूल खुल गए तो ये स्कूल में जाके करोगे, स्कूल नहीं खुले तो आपको ऑनलाइन असाइनमेंट्स वगैरह मिलेंगी, तो फिर क्या होगा, इन सब चीज़ों के बेसिस पे आपका रिजल्ट निकाला जाएगा। ठीक है, इन सब चीज़ों के बेसिस पे कि प्रैक्टिकल्स, इंटरनल असेसमेंट्स, प्रोजेक्ट। तो आई थिंक मैंने आपके साथ सब कुछ क्लियर कर दिया कि अगर कोविड टर्म 1 में रहता है, कोविड टर्म 2 में रहता है, और अगर दोनों में रहता है। उसके अलावा आइडियल कंडीशन तो मैंने आपको बता दी, आइडियल कंडीशन तो वही है, टर्म 1 MCQs, टर्म 2 सब्जेक्टिव, टर्म 1 90 मिनट्स, टर्म 2 120 मिनट्स, और आपका कहाँ पे होगा, स्कूल या एग्जामिनेशन सेंटर में होगा। सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो, आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो गाइज जल्दी से इसको लाइक कर दो, हिट द लाइक बटन, और कोई भी डाउट है अगर किसी को तो कमेंट सेक्शन में लिख दो। अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आई है, कोई कन्फ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, और जिससे कि इस वीडियो के बारे में बाकी बच्चों को भी पता चले, सबको ये पैटर्न अच्छे से क्लियर हो जाए, तो इस वीडियो को शेयर भी जरूर करना। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल एंड प्रेस द बेल आइकन टू सो दैट यू गेट रेगुलर नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियो। और अगर आप मुझे सोशल मीडिया पर कनेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू गाइज, हैव अ ग्रेट डे।